वेलकम टू माई चैनल धनाश्री क्लासेस। सब्जेक्ट मैथ क्लास थर्ड। इसमें जो पहला चैप्टर है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। इस पहले चैप्टर का नाम है फोर डिजिट नंबर्स। इसमें हमने पहले कुछ वीडियो में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 यहाँ तक हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। 1.3 तक देखें, 1.3 प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये टॉपिक हमने पिछली बार यहाँ पर देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इससे अगले, वो है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से नंबर्स लिखने हैं वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म, देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नंबर लिखना है, मतलब हमें जो नंबर दिया गया है उस नंबर का हर एक का प्लेस हमें यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर है 2617, ये जो नंबर है इज मेड ऑफ ऑफ 2000। यहाँ पर 2000 है तो हम यहाँ पर किस तरह से देखिए 2000 लिखा है। फिर है 600, फिर यहाँ टेंस प्लेस पे 1 है तो यहाँ पर 110 लिखेंगे एंड 7, यहाँ पर 7 वंस। तो अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए 2670, देखिए किस तरह से लिखा है 2000 प्लस 600 प्लस 110 प्लस 7 वंस। और इस तरह से भी हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 600 प्लस 10 प्लस 7, यहाँ वर्ड में भी और नंबर में भी इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हेन वी राइट अ नंबर इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ इट्स डिजिट, उस डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है वो वैल्यू हमें सम में लिखनी है, इट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ दैट नंबर। इसे ही उस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है। इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें लिखना है। अभी हम यहाँ पर कुछ नंबर से यहाँ पर सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जांपल्स से। एग्जांपल फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें ये दोनों नंबर यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला जो नंबर है वो है 3752। एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे 3000 प्लस पे 3 है तो यहाँ पर 3000 लिखेंगे प्लस, इसके हमें सम करनी है इसलिए प्लस क्या लिखना है 700 प्लस 50। यहाँ पर 50, टेंस प्लेस पे 5 है तो यहाँ पर 50 लिखेंगे और वंस प्लेस पे 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और इन सब की सम करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो इसी प्रकार करेंगे। देखें एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 6083, यहाँ पे 1000 प्लेस पे 6 है तो यहाँ पर हम 6000 लिखेंगे प्लस सम करेंगे, यहाँ पर 100 प्लेस पे 0 है तो सिर्फ यहाँ पर 0 ही लिखेंगे। फिर टेंस प्लेस पे यहाँ पर 80 है मतलब सम प्लस यहाँ पर 80 करेंगे और वन प्लेस पे 3 है तो प्लस 3 करेंगे, मतलब 6000 प्लस 0 प्लस 80 प्लस 3, इस तरह से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें किस तरह से लिखना है इसका भी एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं। देखें राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो नंबर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। देखें पहला जो नंबर है वो है 8000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे 8000, तो हम 8000 की यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर 700 है तो फिर 7, फिर 50 है तो यहाँ पर 5 और 6 वन से यहाँ पर 6। देखिए 8000 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से नंबर आएगा 8756, मतलब 8756। अभी दूसरा जो नंबर है वो देखिए 3000 प्लस 50 प्लस 1, अभी 1000 प्लेस पे कितने क्या है 3000 है 3 है तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे
अभी यहाँ पर 50 और 1 है, मतलब यहाँ पर 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। 10 प्लेस पे यहाँ पर 50 है, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे, और 1 प्लेस पे 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, मतलब 3051। देखिए 3000 प्लस 50 प्लस 1, इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। उस पर जो एक्सरसाइज है 1.4 वो हम यहाँ पर आज सॉल्व करते हैं। देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो नंबर है 6342, ये हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो हम किस तरह से लिखेंगे, देखिए 6000 है तो यहाँ पर हम 6000 लिखेंगे। यहाँ पे 300 है तो हम यहाँ पे 300 लिखेंगे। फिर है 40, फिर है 2, इस तरह से। नेक्स्ट जो है 2000 प्लस 100, यहाँ पर 0, 10th प्लेस पे 0 है, 1 प्लेस पे 1 है। फिर यहाँ आया 5000, फिर 800, 17 है यहाँ पर, हाँ, मतलब हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पर 7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर है 3000, फिर यहाँ पर 0, यहाँ पर 80 और यहाँ पर 9, यहाँ पर 9000, यहाँ पर 100, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 6। ये हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म, और एक्सपेंडेड फॉर्म में जो नंबर है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। यहाँ पे देखिए, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर 3400 एंड 0 एंड यहाँ पर 8 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे, 3408। यहाँ पे 2000, यहाँ पे है 300, फिर है 50, तो यहाँ 5 लिखेंगे और फिर 5। अगला है 4000, यहाँ पे 0 है, 100 प्लेस पे, तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। 10th प्लेस पे 10 है, तो यहाँ पे 1, और 1th प्लेस पे यहाँ पर 2 है, मतलब 4012। यहाँ पर अगला आया 8000, फिर 600, 60 और 7, और लास्ट जो है वो है 6180 और 3। बहुत ही सिंपल है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर लिखना। आई होप आप लोगों को ये जो है एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी अगर आपको लगी तो मुझे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो वो भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना।